जिन कार्यकर्ताओं ने जनता के पास जा कर के और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ने का काम किया, उन कार्यकर्ता नेताओं से आज मुलाकात थी। क्योंकि करहल विधानसभा ने अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताया। जसवंत नगर के बाद अगर किसी विधानसभा ने सबसे अच्छे वोट देकर के जिताया तो वो है करहल विधानसभा। और केवल अभी लोकसभा में नहीं, इससे पहले भी जब चुनाव था उस समय भी आम चुनाव में बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आए थे और बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, उसके बाद भी जनता ने समाजवादी पार्टी की मदद की। भारतीय जनता पार्टी बात करने में तो है बहुत आगे, इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब सच्चाई ज़मीन पर देखते हैं तो शून्य दिखाई देता है। जो जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, आज भारतीय जनता पार्टी को आकलन करना चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने क्या उन वादों को पूरा किया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और हालात ऐसे पैदा कर दें कि न्याय नहीं मिल सकता। इस सरकार में अब न्याय की उम्मीद मत करिए। अधिकारी और कई ऐसे लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी बन करके फैसला ले रहे हैं। अगर अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता बन करके काम करेंगे तो न्याय कौन देगा? इस सरकार में जनता को न्याय नहीं मिलने वाला। हाल में ही आपने कानपुर की कस्टोडियल डेथ देखी, किस तरीके से पुलिस ने और वहाँ के लोगों का दबाव रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के, किस तरीके से थाने में मारपीट हुई और बाद में उसकी जान चली गई। इसी तरह घटना कन्नौज में हुई है। कन्नौज में जो घटना हुई है उसका अगर दोषी कोई है तो वहाँ का विधायक, जो महिला विधायक हैं वो, और जिलाधिकारी। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने इसीलिए कहा कि इस सरकार में जहाँ महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं न्याय की उम्मीद अब सरकार से नहीं कर सकते आप। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण खत्म किया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है,